भारत सरकार द्वारा सिन ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद लोगों के बीच बहुत सारे सवाल है, क्योंकि सिन ऐप एक ऐसा ऐप था जहां पर आप ट्रस्ट के साथ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते दामों में खरीद सकते थे। लेकिन जब से भारत सरकार ने इस ऐप पर प्रतिबंध लगाया है उसके बाद यहां पर ऑर्डर्स में कमी तो आई है, लेकिन इसके बाद भी लोग अभी भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं इस शॉपिंग साइट पर अभी भी परचेज कर सकता हूं क्या, क्योंकि सरकार के बैन के बाद भी ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, या अगर आपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है तो आप मोबाइल पर भी इसे यूज कर सकते हैं। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर कुछ इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उन कस्टमर्स का जिन्होंने सरकार के एडवाइजरी जारी होने से पहले ऑर्डर किया था और अभी भी उनके कुछ स्टेटस में सुधार नहीं आया है। कहने का मतलब है कि जहां पर भी उनका प्रोडक्ट था वहां पर ट्रैकिंग वहीं पर दिखा रही है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपने ऑर्डर किया है सरकार के बैन करने की एडवाइजरी से पहले, तो आपका प्रोडक्ट घर पर सही समय पर 100% पहुंचने वाला है। आप लोग बेफिक्र रहें, कहीं पर भी यह ना सोचें कि आपके पैसे डूबने वाले हैं या आपके रिफंड मिलने वाले हैं। अगर आपने ऑर्डर किया है या इनशिप्ड या इन ट्रांजिट दिखा रहा है तो आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, रिफंड के कोई चांसेस नहीं है, पैसे डूबने के कोई चांसेस नहीं है। अब बात कर लेता हूं मैं उन लोगों का जिन्होंने सरकार के एडवाइजरी जो जारी होने के बाद भी ऑर्डर किया है, यानी कि सरकार ने जब एडवाइजरी जारी किया कि भारत में कुल 59 चाइनीज एप्स बंद होंगे, बैन लगेगी उस पर, उसके बाद उन्हें शायद समाचार उन्होंने पढ़ नहीं पाए या उन्हें जानकारी मिली नहीं, या उसके बाद भी जानकारी के बाद भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, तो वो लोग ज्यादा चिंतित थे कि मेरे पैसे डूबने वाले ही है। लेकिन उन लोगों को बता दूं ये ऑफिशियल अपडेट्स हैं, क्योंकि मेरी बातें हुई थी हमारी टीम से, उन्होंने ये बताया कि जब तक ये ऐप लाइव है, प्ले स्टोर पे काम अवेलेबल है या आपके मोबाइल में वर्किंग कर रहा है, जब तक आप ऑर्डर करोगे तब तक प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, यानी कि आप कोई भी ऑर्डर किए हो, चाहे एडवाइजरी जारी होने से पहले या एडवाइजरी जारी होने के बाद, आपके प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंचेंगे। अगर गलती से उस कंपनी ने आपके प्रोडक्ट को आपके घरों पर पहुंचा ना पाई या कुछ भी ऐसे इश्यूज हुए, तो वैसे कंडीशन में आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है जहां पर आपके पैसे डूबने वाले हैं। कहने का मतलब है कि एडवाइजरी जारी होने से पहले अगर आपने ऑर्डर किया है तो आप लोग पूरा 100% ये मान लें कि आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, लेकिन एडवाइजरी जारी होने के बाद या आज या कल आपने ऑर्डर किया है तो आपको 90% चांसेस हैं कि आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, और या आपके पास 10% चांसेस ये होगा कि आपके पास रिफंड मिलेगा। अब ये इन सभी चीजों के बीच कुछ खबरें ये भी आ रही है कि सीन ऐप को नाम को लेकर, क्लब फैक्ट्री को नाम को लेकर आपके पास बहुत सारे मैसेज आ रहे होंगे, कॉल आ रहे होंगे कि मैं आपकी ट्रैकिंग डिटेल्स बताऊंगा, आपके ऑर्डर स्टेटस बताऊंगा, आप मुझे ओटीपी दें। तो वैसे धोखेबाजों से आप दूर रहें, क्योंकि जब से सरकार ने इन ऐप्स पर बैन लगाया है उसके बाद कुछ इस तरह की फ्रॉड वाली कॉल कस्टमर के पास जानी शुरू हो गई है। मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आए थे, इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करने की कोशिश की कि आपके पास किसी भी तरह की कोई क्षति ना हो, यानी कि कुछ ऐसे ओटीपी मांगे जाए, इस तरह से कुछ आपके पास कॉल आए तो उनको सही तरीके से रिस्पॉन्स ना दें, उन्हें अपनी चीजें ना बताएं, क्योंकि आपके साथ वो कुछ धोखाधड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये आप पूरा श्योर रहें कि अगर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो आपको चाहे प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो आपको 10% चांसेस होते हैं कि आपको रिफंड मिलेंगे, क्योंकि रिफंड मिलने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि इन दिनों सीन ऐप पर कुछ कम ऑर्डर आ रहे हैं, और कुछ कम ऑर्डर्स के साथ सीन ऐप के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि ऑर्डर अगर हम लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं कुछ कम ऑर्डर को, तो हम लोग वैसे स्थिति में रिफंड दे देंगे, लेकिन आपके पैसे डूबने वाले नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।